शेष गायें सड़कों पर घूमती है नेशनल हाईवे में, उसकी हमने गोवंश वन्य विहार की एक बृहद कार्य योजना बनाई है। इतनी गौशाला बनी कांग्रेस शासन काल में 1000 गौशाला बनाई गई। मैं अपने उदाहरण देता हूँ, 26 गौशाला बनी, सिर्फ 5 चालू। अभी अभी आपके थोड़ी देर पहले मैंने जो नवागत कलेक्टर महोदय हैं उनके कान में मैंने धीरे से कहा है कि अब सब कुछ सब व्यवस्थित हो गया है, आप आए हैं तो कुछ बातें मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। इनके माफियाओं ने कब्जा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया, तो गाय के लिए जगह बची कहाँ है, क्योंकि गाय बोल नहीं सकती। लोकसभा चुनाव पास आते ही मध्य प्रदेश में गायों पर राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में जब निराश्रित गौवंश को गौशालाओं तक पहुंचाने का सरकारी वादा अधूरा है, तो मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड ने गौ संरक्षण की योजनाओं पर अब तेजी से काम करने और तेजी से गौवंश वन्य विहार बनाने का लक्ष्य रखा है। बोर्ड के चेयरमैन स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बड़े बयान दिए हैं, लेकिन कांग्रेस उनके बयानों को और उनके इस लक्ष्य को सियासी बता रही है। कांग्रेस कहती है कि प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा सरकार को गौ माता की याद आ गई है। देखिए किस तरह से गर्मा रही है गौ संरक्षण पर राजनीति। सनातन संस्कृति का आधार कही जाने वाली गौ माता एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है। मध्य प्रदेश में गौवंश के हाल हर चुनाव में मुद्दा बनते हैं, लेकिन आज भी सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित गौवंश की तादाद गौशालाओं में मौजूद गौवंश से 1 लाख ज़्यादा है। जी हाँ, ये आंकड़ा खुद मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड का है। ऐसे में गौ संवर्धन बोर्ड ने प्रदेश में गौशालाओं से इतर 15 गौवंश वन्य विहार बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन ये योजना लंबे समय से ठंडे बस्ते में कैद होकर रह गई। अब लोकसभा चुनाव से पहले बोर्ड के चेयरमैन स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी गौ संरक्षण की इन योजनाओं पर तेजी से अमल करने का दावा कर रहे हैं। इस चुनावी साल में बोर्ड की योजना के मुताबिक बुंदेलखंड में 2, बघेलखंड में 2, महाकौशल में 3, मध्य भारत यानी भोपाल संभाग में 2 और मालवा में 2 गौवंश वन विहार बनाए जाने हैं, जिन पर तेजी से काम करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो शेष गायें सड़कों पर घूमती है नेशनल हाईवे में, उसकी हमने गौवंश वन्य विहार की एक बृहद कार्य योजना बनाई है। और 5 स्थानों पर तो हमने राशि भी जारी कर दी, चूंकि लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनाव आ गए थे इसलिए वो काम थोड़ा शिथिल हुआ, लेकिन अब तो सरकार व्यवस्थित हो गई है, इसलिए बहुत शीघ्र हम अपने उसी गौवंश वन्य विहार के अभियान में लगने वाले हैं। अभी अभी आपके थोड़ी देर पहले मैंने जो नवागत कलेक्टर महोदय हैं उनके कान में मैंने धीरे से कहा है कि अब सब कुछ सब व्यवस्थित हो गया है, आप आए हैं तो कुछ बातें मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। यहाँ गोसदन होता था, गोसदन की भूमि हमने बचा करके गोवंश वन विहार की हमने वहाँ योजना दे दी है, पैसा भी दे दिया, इसलिए उस काम में तेजी आए। तो ये सड़कों पर भटका हुआ गोवंश जो है, निराश्रित गोवंश है, उनको जंगलों में व्यवस्थित रहे, गाय का भोजन जंगल में और जंगल का आहार गाय के पास, इस प्राकृतिक समीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार को हमने सलाह दी है बोर्ड को कि हम इसमें काम करें। मनरेगा अपना फंड देगा, राजस्व अपनी भूमि देंगे राजस्व विभाग वाले, और इसके साथ साथ जो पशुपालन विभाग है वो उस इलाके को चिन्हित करेगा जहाँ निराश्रित गोवंश की समस्या है, मनरेगा अपना फंड देगा, और फिर गोवंश वन विहार जब बनेंगे तो उसके संचालन के लिए हम सामाजिक एजेंसियों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पंचायत वगैरह के बस का नहीं है, इसलिए सामाजिक संगठन, क्योंकि गाय अंत में समाज की है, व्यक्ति की है, तो वैसा समूह सामने आना चाहिए। इस प्रकार की हमारी अपनी कार्य योजना है, धन की कोई कमी नहीं पड़ने पाएगी। और पब्लिक पार्टिसिपेशन जो हमने कहा है कि भाई सरकार अपने ढंग का काम करेगी, सरकार के पास नेचुरल संसाधन है, जमीन है, पानी है और थोड़ा बहुत वित्तीय संसाधन है, वो सरकार मुहैया कराएगी, पर समाज इसकी जिम्मेदारी ले, इसलिए शासन प्रशासन और समाज के लोग मिल करके इस काम को करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 वर्ष के अंदर हम सड़कों पर घूमने वाली गायों की समस्या का समाधान निकालेंगे। इधर लोकसभा चुनाव से पहले गौ संरक्षण में तेजी लाने के बोर्ड के लक्ष्य को कांग्रेस सियासी बता रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव ने कहा कि गौ संवर्धन बोर्ड को पहले उन 1000 गौशालाओं को पूरा बनाकर संचालन शुरू करना चाहिए जो कमलनाथ सरकार में स्वीकृत हुई थी। संजय यादव ने आरोप लगाया कि सरकार को चुनाव पास देखकर गौ माता की याद आई है। जो बंद पड़े हैं उनको तो चालू कर दें। हमारे यहाँ मेरे पड़ोसी हैं अखिलेश्वरानंद जी, इतनी गौशाला बनी कांग्रेस शासन काल में, 1000 गौशाला बनाई गई। मैं अपने उदाहरण देता हूँ, 26 गौशाला बनी, सिर्फ 5 चालू। इन लोग सब गौ माता की बात करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया इन्होंने, क्योंकि वो वोटर नहीं गए। अगर गौ माता को ये राशि भेजते जाते पंचायतों में, जिन जिन पंचायतों बनी है, बुरे हाल हैं गौ माता के। सड़क पे आज गाय टकरा जाती है ट्रक से, हाईवे पे आप देख लीजिए, रात पे निकल जाइए
बरसात में तो आपको गाय का जगह नहीं मिलेगी। मैंने कई उदाहरण दिए कि तेवर में मरी पड़ी रही या रास्ते में, गौचर की भूमि और जो गौठान की भूमि होती है इनके माफियाओं ने कब्जा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया गौठान की भूमि, तो गाय के लिए जगह बची कहाँ है? क्योंकि गाय बोल नहीं सकती, वो मतदाता नहीं है। इसलिए मतदाता के ऊपर ध्यान देते हैं, मूक मतदाता माता के ऊपर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो मतदाता नहीं है। और हमारे गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष जब से बने हैं, जब से तो और विनाश कर दिए इन्होंने। जबलपुर में वो गौशाला नहीं बना पा रहे तो मध्य प्रदेश में कहाँ से बना पाएंगे? बिहार भी तैयार करके दिखाएंगे मेरे भाई, जो बनी पड़ी है उनमें तो गाय रख दो, फिर वन विहार बनाना ना। आप वन विहार में आप ऐसे छोड़ दोगे, जो गौशाला बनी पड़ी है उनमें तो आप बना दो, वो भी नहीं बना रहे, झूठ बोलने का काम करते हैं। चुनाव आ गए इसलिए गौ माता की याद आ गई, इसलिए गौ माता के लिए कुछ करेंगे नहीं क्योंकि वो मतदाता नहीं है गाय, इसलिए गौ माता के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये झूठी शान वाले लोग हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। हालांकि मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड आगरमालवा, दमोह और रीवा के बाद जबलपुर में 530 एकड़ भूमि पर जल्द ही गौ अभ्यारण्य शुरू करने का दावा कर रहा है, लेकिन बोर्ड की अधिकांश योजनाओं की मंथर गति विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा का चुनाव पास आते आते प्रदेश में गौ संरक्षण कितना हो पाता है और इस मुद्दे पर सियासत और कितनी गर्माती है। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल IBC24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 जबलपुर।